नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड अगर हमने एक मरतबा प्रोडक्ट रोड मैप हमने क्रिएट कर लिया है अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ में और आपको ज़रा आई मीन लेट मी एड सम रियल टाइम फ्लेवर टू द प्रोडक्ट रोड मैप क्योंकि वो इससे लिंक है ऐसा कतन नहीं होता या बहुत कम होता है कि जो प्रोडक्ट रोड मैप है वो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल के लिए बनाया है तो पूरे साल में उसमें चेंज ही ना हो ऐसा बहुत कम होता है मतलब अमूमा ही होता है कि एक एक या दो क्वार्टर आप रोड मैप फॉलो करते हैं उसके बाद रोड मैप में चेंजेस आना शुरू हो जाती है मतलब यानी मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है तो आपको अपना रोड मैप भी एडजस्ट करना पड़ता है तो इट इज़ अ नेचुरल थिंग तो वंस वी हैव अ फाइनलाइज हाई लेवल प्रोडक्ट रोड मैप अब अगला स्टेप ये कि अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमने अभी एग्जाम्पल में देखा है कि जो प्रोडक्ट रोड मैप है वो बेसिकली खुद ब्रेकअप हुआ हुआ है इन टू क्वार्टर्स यानी तीन महीने में ये करना है अगले तीन महीने में ये करना है एंड सो ऑन एजाइल के अंदर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है एक्चुअल उसको हम अचीव करते हैं वायर रिलीज अच्छा मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके जब आपके पास रोडमैप क्रिएट हो गया आपने उसकी अप्रूवल ले ली फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल सेल्स टीम मार्केटिंग टीम योर सीनियर मैनेजमेंट अब काम है कि अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है एक्चुअली यानी नाउ दिस इज अ टाइम टू डू सम प्रैक्टिकल वर्क यानी एक्शन का अब टाइम है तो जो प्रोडक्ट रोडमैप होता है ऐसा कतर नहीं होता कि हम पूरे साल की डेवलपमेंट एक साथ शुरू कर दें अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज जो ये अप्रोच फॉलो करती हैं लेकिन बहुत जल्दी उन्हें पता लग जाता है कि दे विल फेल लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं द गुड वे ऑफ अचीविंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कि आप जिस यानी आप अपनी साल के काम को चंक्स में तोड़ दें उन चंक्स को बेसिकली हम एजाइल में रिलीज बोलते हैं एक तो चंक्स हो गए लेकिन जो रिलीज uh, के साथ एक बड़ी ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चीज अटैच है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने रोड मैप को अंदर ये कहा कि क्वार्टर वन के अंदर हम चार फीचर करेंगे क्वार्टर टू में तीन फीचर करेंगे एंड सो ऑन तो ऐसा कतन नहीं है कि तीन महीने बाद ही पहली रिलीज आएगी ऐसा नहीं है अगर तीन महीने का फॉर एग्जांपल आपका आपका फर्स्ट क्वार्टर का रोड मैप है तो आपने उसको प्लान इस तरीके से करना है कि जब रिलीज आउट हो तो वो एक रनिंग सॉफ्टवेयर हो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल तरीका देखें यानी वाटरफॉल मॉडल देखें तो उसमें रिक्वायरमेंट चार महीने चलती है फिर डिजाइन होता है कुछ अरसे के लिए फिर कोडिंग होती है और फिर कहीं जाके सॉफ्टवेयर बनता है यानी इस इट्स अ लॉन्ग लाइफ साइकिल उसके ऑपोजिट जो एजाइल है वो ये कहता है कि जो रिलीज है इट हैज टू बी अ रनिंग सॉफ्टवेयर चाहे रिलीज आपकी छः हफ्ते की है या चार हफ्ते की है वो एक सेपरेट एक डिस्कशन है जो कि हम अभी आगे जाके करेंगे लेकिन जो एसेंस है रिलीज का वो ये है कि जब भी आप रिलीज प्रोड्यूस करें छह हफ्ते बाद चार हफ्ते बाद आठ हफ्ते बाद वो एग्जीक्यूटिबल सॉफ्टवेयर होगा यानी ये नहीं होगा कि आपने एक एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया और आपने कहा यह एक रिलीज है नो no. यानी जो क्लाइंट के लिए कोई फॉर एग्जाम्पल फीचर है वो नया फीचर डेवलप होगा फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल क्यूए यानी ऐसा नहीं है कि आप छे हफ्ते रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर लगाएं चार हफ्ते उसका डिजाइन बनाएं तीन हफ्ते उसकी इंप्लीमेंटेशन करें नो no. जब आप कहते हैं कि हफ्ते की रिलीज है तो इट इंक्लूड एवरी थिंग जो आप वाटरफॉल में कर रहे हैं फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल डिप्लॉयमेंट यानी आपने कर, आपने कस्टमर को यह बोलना है कि छ हफ्ते बाद एक नई रिलीज आ रही है जिसमें ये चार फीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसका मतलब है कि डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट डिजाइन क्यूए ये सारे का सारा छः हफ्ते में होना है नाउ ट्राई टू इमेजिन के वाटरफॉल के अंदर ये काम सीक्वेंस में हो रहा था इसमें छः हफ्ते के अंदर ये सारे की सारी चीज़ें होनी है हम कोई स्टेप स्किप आउट नहीं कर रहे हम ये नहीं कह रहे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग मत करो हम ये नहीं कह रहे कि डिजाइन मत करो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो टाइम है ये सारी चीज़ें करने का वो उतना ज्यादा हमारे पास नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत कंपेटेटिव है यू कैन नॉट टेल योर कस्टमर्स के फॉर एग्जाम्पल uh, को नया फीचर एक साल बाद आएगा इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम दीज रेस तो आप छठ या या पांच हफ्तों में रिलीजेस निकालते हैं तो रिलीज एक रनिंग सॉफ्टवेयर है मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इट कैन नॉट बी अ डॉक्यूमेंट इट कैन नॉट बी अ सर्टन कमिटमेंट इट विल बी अ रनिंग एंड डिप्लोयबल सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट से मुरादी होती है कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कोई नई फीचर या कुछ इन्हासमेंट ऐड कर दी हैं जो क्लाइंट यूज करेगा मैं और आप एज अ इंटरनल एम्प्लॉय नहीं यूज करेंगे जो एंड कस्टमर है वो यूज करेगा सो दैट इज द दैट इज द वेरी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ रिलीज